मालिक जोड़ी पर एक कमेटी तो मिर्धा साहब आपने ईमानदारी मानी चाहिए ताकि आइंदा इनकी बात आप नहीं है। अगर 20-30 हजार वोटों हारता चले तो कहीं मन में ही आती क्या भाई विधायक महोदय कोई गलत काम करिया होला। अब बात तो 3,500-4,000 वोटों की रही, अगर 268 पोलिंग बूथ ने आप गिना तो 15-15 वोट ही अगर ज्यादा पड़ जाता तो आज आप हार के पाड़ा पकड़ने तो आप जीत के पाड़ा पड़ता। समीक्षा है, अब कोई पर आरोप प्रत्यारोप लगा कि मतलब वाली बात को नहीं आएगी बात होगी, लेकिन अति जोश के मायने जीत का जोश के मायने थोड़ा सो आपा ने नुकसान हुआ, लेकिन नौजवान है अगर जोश नहीं हुए तो मुझे चुनाव प्रचार को भी मजो को नहीं आवे। लेकिन कुछ लोग हैं इनका भी हाँ जगह खरगोश की खाल और जोड़ा मायने भेड़िया को मेरे को रूप हो तो कम कम इनका भेड़िया ने आप पहचानो वो आपके परिवार के प्रति सच्चे निष्ठावान नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के लालची थे और सत्ता जब तक अपने पास रही वो आपके आगे पीछे घूमते रहे और चुनाव में उन लोगों ने गलत काम किया और चुनाव में भी लोग लाखों करोड़ों रुपये को फायदा लेगा घर बैठा मान तो ठाया कि ट्रांसफार्मर जिसको आज काश्तकार ने मिले ही को नहीं। आप देखते हो आज अखबार में भी में लगातार पुलिस माइनसाड़ा सक्रिय जोड़ा है ट्रैक्टराना की हालत खस्ता है क्या बजरिया के भाजरिया में पुलिस माइनसाड़ा लार भाजरिया है आल्यास में पकड़ लिया थावड़ा में पकड़ लिया नेगड़ा में पकड़ लिया। ए बात आप घड़ी की लोग घड़ो ही फायदा उठायो लेकिन एक वोट देो हो और नजदीक आ रहा अपना हार गया दुख की बात को है। अगर 20-25 हजार वोटों हारता चला तो कहना मन में सोचता कि भाई MLA साहब की गलती हो ली और MLA साहब भी बार बार हर मीटिंग में बात की भी क्या भाई कल्याण मामलो हो प्रोबेशन को मारो पीरियड हो और छोटी मोटी कोई मारो गलती भी होगी तो मैंने माफ कर दियो। अब क्या इनकी गलती को नहीं बताया लेकिन कई लोग हैं इनका हाँ जगह माल मार हरामी पड़ो करियो तो मैं लोगों के मैं कड़ा शब्दों में भर्सना करते हुए हमारी बात समाप्त करो और निवेदन करो कि आप कमेटी बढ़ा रहे ये बात की पूरी जानकारी आप ले हो। आप आपका टाइम में MP को चुनाव भी है पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव भी है और योग्य आदमी अच्छे कार्यकर्ता आगे है जो आपके परिवार के प्रति हमेशा लॉयल होने की भावना प्रदर्शित करते रहे ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाओ और जिन्होंने डुप्लीकेट पड़ा किया है उनको आप स्पष्ट शब्दों में कह करके उनसे आप ये कह दो साहब आइंदा मेरे पर घर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हेलो हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा हरिराम जी PTI साहब से आप बता रहे बोले तेजाजी महाराज की। आज के इस सन्य मिलन समारोह के अवसर पर हमारे बीच वीर तेजा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष सम्मान्य ऋषपाल सिंह जी मिर्जा साहब हमारे पूर्व विधायक लाडले और विकास की गंगा बहाने वाले विजयपाल जी मिर्जा साहब और डेगाना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को 41,000 मत दिलाने वाले 81,000 मत दिलाने वाले कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता किसान भाइयों आप सबका आज इस सने मिलन समारोह में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अभी वकील साहब ने जो बातें आपको बताई
जिस जोश और खरोश से हम लोगों ने चुनाव को गति दी, उस गति में हमारी कहीं न कहीं कमियां रही, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। राजस्थान सरकार की 28 ऐसी योजनाएं हैं जिनको जनता ने नकारा, और मात्र एक योजना जो धर्म के नफरत की जो भावना फैला रही है, उस नफरत की भावना को वोट दिया और आपके बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट को इस डेगाना में जिताया। अरे आप विकास देखिए, डेगाना तहसील का गांव गांव ढाणी देखिए, जिसके 5 और 7 किलोमीटर के बाद में हाईवे लगता है। किसी गांव में जाइए, विकास की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने सामान्य ऋषपाल सिंह मिर्जा साहब को हमारे गांव की, हमारे बूथ की वास्तविक स्थिति आप लोगों ने, हम लोगों ने नहीं बताई। इस बात को आप स्वीकार करें, मैं अपने मेरे गांव की बात को स्वीकार करता हूं। और हमने कई बार यह कहा कि बोहरला में हम कमजोर हैं, लेकिन बाकी किसी भी बूथ वालों ने यह नहीं कहा। हर आदमी ने यही कहा कि हम सब आगे हैं। अच्छी भावना का केवल अंक बनाने का काम किया, अंक बढ़ाने से नहीं। आप लोगों ने इस आदमी के साथ गद्दारी की, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। वास्तविकता इनको बतानी चाहिए थी। जिसने भी, जिन्होंने कमाई की या नहीं की या जो कुछ भी थे, जिन्होंने इनके पास आकर के ये निवेदन किया कि उस गांव की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन धरातल पर वो काम किसी ने नहीं किया, इस बात को आप स्वीकार करें। और हमारे किसान नेता जो हमारे डेगाना का नहीं, पूरे नागौर जिले का रक्षा कवच है, इस रक्षा कवच को आगे बढ़ाने का काम करें। इनका साथ है, चुनाव प्रजातंत्र में हर 2, 4, 5, 6 महीने के बाद आते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने एक सच्चे और ईमानदार आदमी को, जिसने 52 से इस नागौर जिले का, पूरे राजस्थान के किसानों का, 36 कौम के लोगों का जिसने विकास किया, साथ दिया, जिसके दुख दर्द में अपना जान लगाने की कोशिश की, ऐसे व्यक्ति को हमने खो दिया, ये एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। आप अपने आप को अगर टाइम पे इनको सचेत करते तो आपको ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। तो मैं सम्मानीय ऋषपाल सिंह जी और विजयपाल सिंह से यही निवेदन करना चाहता हूं, आप सच्चे को पहचाने, धोखेबाजू से दूर रहें। जिन्होंने धोखा दिया वो अपने आप ही चले गए, कोई बात नहीं। काट की हंडी एक बार चढ़े, बार बार चढ़े को नहीं, इस वास्ते सब पहचाने। मैं तो एक ही बात कहूं, ये जो शेर है, इस शेर को जिंदा रखोगे तो अपन जिंदा रहेंगे, 36 कौम की रक्षा होगी, नहीं तो नहीं होगी। आने वाले देख लेना, आप अपने समय में देख लेना, शुरू हो चुका है, सारा सब कुछ शुरू हो चुका है। ये एक ऐसी शख्सियत है, मान लो मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो याद जो करे सभी, हुई ना शु मृत्यु तो वर्था जिए वर्था मरे, अरे मरा वो नहीं जो जिया है अपने आप के लिए, ये तो पशु परवर्ती है जो आप ही आप चरे, मनुष्य तो वो है जो मनुष्य के लिए मरे, ऐसा शख्स है ऋषपाल सिंह जी मिर्जा और विजयपाल जी मिर्जा। इनका आप साथ है, कोई बात नहीं, जो गलतियां की उनको स्वीकार करें और इनको सबल दें। मैं मेरी बात को यहीं विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, आप तमाम कार्यकर्ता साथी पधारे हैं, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आज की समीक्षा मीटिंग में, कार्यकर्ता सम्मेलन में, आप अपनी बात रखना चाहते हैं इस चुनाव के संबंध में तो आप पधारे, आप सादर निवेदित है सबके सब साथी, जो भी कार्यकर्ता साथी यहाँ पधारे और अपनी बात रखना चाहते हैं मर्यादित भाषा में, तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा आप पधारे। मैं निवेदन करूंगा, हर्षुख राम जी पूर्णिया साहब हम सबके बीच पधारे हैं, आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और इनका उद्बोधन करें।
राम राम सर। आज जो ये स्नेह मिलन का आयोजन रखा गया है उसमें हमारे मुख्य मेहमान श्रीमान रिजपाल सिंह जी मिर्जा साहब, विजयपाल जी मिर्जा साहब, तेजपाल जी और मेरे सामने विराजे हुए अलग अलग गांवों के सम्मानित नागरिकगण, आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ दर्द भी है, कुछ चिंता भी है और कुछ आगे का सोच भी है। मेरा ये निवेदन है कि कुछ भी गलतियां हुई हो उसको हम महसूस करेंगे, आगे इस प्रकार की छोटी मोटी कोई गलती हुई है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और जो आज हमें पराजित का सामना करना पड़ा उस बारे में भी हम सबको मंथन करना होगा कि इसकी वजह क्या रही। लेकिन हमें इस हार को हार के रूप में नहीं लेना है, असफलता ही सफलता की कुंजी है। आज हम हारे हैं, कल हमारी जीत बहुत ज्यादा मतों से होगी। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है हार की। विजयपाल जी का दूसरा चुनाव हम सब के सामने है और जो कमियां रही है उसकी उन कमियों को दूर करते हुए आगे के भविष्य में हमें मजबूत रहना है और उसके लिए तन मन धन से पूरा सहयोग करना है। ये हार ही जीत का परिणाम होगी। अगर हमने महसूस किया तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ी जीत आगे होगी। ये खास तौर से हमारा जो वजीर है, हमें खुशी इस बात की है कि उस व्यक्ति में कोई कमी नहीं है। हमारे संरक्षक रिजपाल जी और लाडले विधायक में कोई कमी नहीं है, ईमानदार है, सबके साथ में बढ़िया सलूक रखते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और हर व्यक्ति के दुख में काम आते हैं और हमारे एक एक दुख दर्द को समझते हैं। इसलिए हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप मजबूत रहो, हम आपके साथ हैं और आगे जो छोटी मोटी गलती हुई उसको दूर करते हुए हम आपको उच्च स्थान पर ले जाएंगे, ये हम आपके सामने वादा करते हैं। हो जाती है, सब लोगों ने तन मन से मदद की, सब जातियों का योगदान रहा, किसी ने कोई कमी नहीं रखी, फिर भी कुछ अंदरूनी कोई कमी रही है उस पर मंथन करके उसका निराकरण करके और आगे का जो भी सामने कोई भी चुनाव आएगा उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, हम किसी भी हालत में पीछे रहने वाले नहीं है। आप मस्त रहो, हम आपके साथ हैं। जब हम आपके साथ हैं तो फिर आप तो साथ, आपका साथ छोड़ने वाला कोई नहीं है इनमें, सब हमेशा साथ रहेंगे और आप हमें नहीं छोड़ोगे, आप हमारे लिए सेवा करोगे और हम आपके साथ हर संघर्ष में मजबूती से साथ रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं आनंद सिंह जी की दास साहब से निवेदन करूंगा। आप आज इस स्नेह मिलन सम्मेलन पधारे हमारे बीच में आदरणीय रिजपाल सिंह जी साहब, विजयपाल जी साहब और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, नौजवान साथियों, चुनाव हो, एक गेम हो, आप खेला
जोरदार खेलिया, लेकिन छोटी छोटी थोड़ी बात में कमी रहेगी। आज नौजवान ज्यादा मन है, चिंता ऐसा बना पर लागे, कति सोच विचार कर रहा है, आंखें आंखें में जो एक बात झलक रही है ना, बस शानदार है, बस मान लोगों के लिए प्रेरणा है कि आज भी है मां यूं ज्यादा मेहनत और ईमानदारी ई परिवार के साथ जुड़ेड़ा है। मैं लोग तो और आगे पचाएगा कई माघाती हकीकत बात है, मैं मां को बाटो सीध करवान कही आएगा और आपको काम काज धीरे सी दड़ाऊ गुड़गा। तो मैं साहब वही निवेदन करूं, बहुत लोग ईमानदार आपके साथ है, आप उनका ध्यान रखो, और जो गुड़बड़ा लोग है ना बंग एक लाख की ओर मारो जो नीचे जाते रहो काटाई, आपने मान ऊपर नहीं लेना कभी, अवेला आपके लारला गेट हूँ कोई भाई के नहीं देर कोई फलान जी नर काको सा बाबो सा ना तो ले रहे, पर आप बहुत ध्यान रखो ला मार। तो आज ही परिवार ने निवेदन है कि अपने डेगणों को नागौर को विकास के लिए लोग आपकी इशारा पर लोग चालबंद तैयार है और आपके साथ हमेशा बनियाड़ा रहे और भी रहे और जोड़वाने लोग बहुत कुछ तैयार है, उनको हमको जोड़ना छोटे छोटे परिवारों को छोटी छोटी जातियों को। अब कई बार गाय करे थोड़ी बात हर किसी के मैं क्यों कोई अपना पर लीजो मत, लेकिन मैं ही हूँ मारे गांव आयो तो मैं मारे पांच मोटा मोटा आजवान बैठा ले रहा है कन्ने कोई खादी कुमार लुहार मेघवाल नाईक बिन लेर को नाऊ में अपन अब बन नहीं लाना है, बन नहीं लाना अपन है, अब हम बैठ गया सब अब ठोक बढ़ रहे आएगा गाड़ी को स्कॉर्पियो बैठा को नहीं अपन अपन स्कॉर्पियो गवा बन खो जो कहते आप हार नहीं सका। साथियों मारो तो ही निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये परिवार के साथ रहो है और हमेशा रहो, धन्यवाद, जय भारत। अब मैं अटवाल साहब से निवेदन करूंगा आप बताए। राम राम साहब, आज सने सिमन सम्मेलन के मुख्य अतिथि तेजा कल्याण बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष माननीय सम्मानीय श्रीमान ऋतपाल सिंह जी मिर्धा साहब, हमारे विकासपुर लाडले विधायक श्रीमान ऋतपाल जी मिर्धा साहब, वे ये जो जन सैलाब सामने बैठा है, मैं तो सारे जन सैलाब को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अपने जिस प्रकार से तन मन से उत्साह से चुनाव लड़ा था और जिस प्रकार से आज ये जनता को देख रहे हैं, तो आज भी वेम ये होता है कि अपन चुनाव हार कैसे गए, किसी भी स्थिति में ये नहीं था कि अपन चुनाव हार जाएंगे, फिर भी अपने साथ में जो हुआ वो आगे आने वाले समय के अंदर आप सबको ध्यान रखे वापिस ध्यान रखना है, और जिस प्रकार से जन सैलाब आज उमड़ा है और उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये तो जनता जनार्दन का फैसला है जो स्वीकार्य है, कहीं हमारी कमी रही होगी इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मैं तो अभी डेगाना नगर पालिका के ये बताता हूँ कि सभी गांव से जो सरपंच साहिबान आते थे कहते आप डेगाना नगर पालिका से 3,000-4,000 वोटों से पीछे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे नगर पालिका के कांग्रेस के पार्षदगण मिलकर 32 वोटों से माननीय भाई विजयपाल जी मिर्धा साहब को आगे रखा, इसके लिए डेगाना सीएम के वासियों को वे हमारे सभी पार्षदों को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जय हिंद जय भारत। आदरणीय पन्ने सिंह जी मैं आपसे निवेदन करूंगा आपका दाने। चुनाव के बाद इस समीक्षा मीटिंग में पधारा आपने पूर्व विधायक ऋतपाल सिंह जी मिर्धा साहब, विजयपाल जी मिर्धा साहब, तेजपाल जी, हरसुखराम जी बोनिया साहब और सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों, युवा साथी और सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिकों, चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा। चुनाव में हार जीत हो जाती है, कुछ कमी रही
अपने कार्यकर्ताओं की या अपनी कोई कमी रही, इस वजह से चुनाव में हार हुई। लेकिन सारी इस राज की जो स्कीमें थी उनको सबको नकारते हुए मात्र एक बात पे अगर कार्यकर्ताओं ने अगर वोट दे दिए और अपने चुनाव में हार हुई, वो भावना अपन चेंज नहीं कर सके। विकास की बातें सभी अधूरी रही। विजयपाल जी ने 5 साल तक बहुत काम किया, वो भी गौण हो गया। लेकिन ये जनता की भावना है, चुनाव में हार जीत होती है, हो गई। लेकिन ऋषिपाल सिंह साहब और विजयपाल जी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप चुनाव नहीं हारे हो, आपके साथ 81,000 कार्यकर्ता ने आपको वोट दिया है, वो 81,000 कार्यकर्ता चुनाव हारे हैं। आप अपना मन छोटा नहीं करें, चुनाव में हार जीत होती रहती है। कुछ स्वार्थी लोग थे आपके साथ जुड़े और अपना स्वार्थ सिद्ध करके चले गए, धोखा अपने से हुआ। कोई एक बात है कि नाव डूबी, लेकिन किनारे आके डूबी और नाव में छेद भी अपनों ने किया, इस बात का बड़ा दुख। आप इस बात से इतिहास से सबक लें, कार्यकर्ताओं को पहचानें। डेगाना की जनता आपके साथ है और इतिहास की ठोकर ऐसी लगी है कि 81,000 वोटर्स मतदाता है वो बड़े आपसे ज़्यादा दुखी होते हुए इस बात का इन्होंने मन में ठान लिया है कि अगला बदला अगले चुनाव में लेंगे। आप डेगाना के प्रति जो ऋषिपाल सिंह जी मेहता साहब का पिछले 33 साल से लगाव है, हम आपके साथ रहें, आपके बीच में रहें और हम आपसे ये वादा करते हैं कि आप डेगाना को अपने कालजे में रखें और हम आपके किसी भी परिस्थितियों में हम आपके साथ रहेंगे, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देंगे और आने वाले चुनाव में इस इतिहास की ठोकर से आप ये डेगाना में काम करते रहें, लगे रहें, इसका बदला डेगाना में लिया जाएगा। ये 81,000 लोगों ने मन में शपथ ली है। आप सब लोग यहाँ पधारे और इस समीक्षा की, इस पे आप मेरी बात पे गौर करें। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री परसाराम जी चौहान साहब आपसे आग्रह करूंगा अपना उद्बोधन। राम राम सर। आज चुनावी समीक्षा बैठक में विधायक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री श्री ऋषिपाल सिंह जी मिर्धा साहब, विजयपाल जी मिर्धा साहब, तेजपाल जी मिर्धा साहब और काकर श्री दुर्गाराम जी और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गण और मेरे युवा साथियों, हम चुनाव हारे हैं, कोई जिंदगी नहीं हारे हैं, जमकर हम डटकर सामना करेंगे। अगर विरोध प्रदर्शन कहीं भी होगा, गलत काम ये करेंगे तो इनका हम जमकर छाती ठोक के विरोध करेंगे और सब साथ में रहकर आने वाला टाइम निकालेंगे और चुनाव आगे भी आएंगे, MP का चुनाव लड़ा देंगे सबको। चुनाव की क्या दिक्कत है, MP बना के दिल्ली भेज देंगे, चुनाव तो और भी बढ़िया। इस हार की हमें समीक्षा करनी है कि कोई कौन व्यक्ति अपना था, कौन अपना नहीं था। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मानित तेजपाल जी मिर्धा साहब से निवेदन करूंगा। आप राम राम साहब। सम्मानित मंच, आज जगह आप अपना मीटिंग रखी, आज अगर चुनाव हुआ भी के बारे में है कि भाई आ हार हुई भी को कई कारण भी हो। हमेशा कोई भी चुनाव हुए वो कोई मुद्दा पर लड़ी जाए कि भाई ये मुद्दा है इस पे लड़ेंगे। विपक्ष करने कोई भी एड़ो मुद्दों को नहीं हो, चाहे विकास को हो चाहे काम को हो। विजयपाल जी आपके एकमात्र MLA एड़ा जगह हर आदमी के हाथ जार काम करवाता। अब विकास की बात करा तो भी मैं भी मन लागे बोनी कोई कमी रही भी। तो आप सबने वही निवेदन है कि भाई आ हार एंकी कोनी कटे ही न कटे कमी आप हम सब में रहेगी, तो ये चीज ने आगो आगे बढ़ो। और खासकर युवा साथी है बहन मैं कहनी चाहू कि भाई आज आपा ने मौको मिले ना भी मैं कदे चूकनो नहीं चाहिए। बे जगह मुद्दा की बात हो, हमेशा विकास की बात है या आपके रोजगार की बात है,
भी आदमी ने बढ़ाओ जबको आपके परिवार को रोजगार आपकी आय बढ़ा सके। आज एकमात्र डेगाने आईडी जगह ही जड्डे पत्थर की और बजरी की ट्रॉली फ्री चालती, हर परिवार ने कम कम 5 साल में 5-10 हजार को मुनाफा हुई है। आ चीज आपने ध्यान देनी चाहिए। और मैं एक जगह युवा साथी अवन और बताऊं, मैं खुद भी चुनाव लड़ियो बटे भी मैं बात की भी, मैं अड्डे भी आपने बताऊं, विजयपाल जी भी मारे डिस्कस हुई, अंबुजा के महीने आपने ध्यान हुए 15,000 कर्मचारी काम करे पर आपा गड्डा का एक भी बच्चों लगेड़ो को नहीं हो। बाद 2013 के महीने लागी जन मैन विजयपाल जी ने की हो जन ए मन अब बताई कि भाई अब ई पॉलिसी चेंज बनो सके, 3 नया प्लांट आवे बी टाइम आपा का जगह है, हाथ का टाबर है, मैंने सबने बच्चा ने सेट कर दे वहां। ए जगह युवा है बे, आपको भविष्य एक तरीके बहुत गलत दिशा में डाल दियो। आज की डायरेक्शन ही जबकि दिशा ही जबको विजन हो एमएलए को बा आपने सोचना चाहिए हो, जबकि कमने आ रही है बिग माइंड कम हो कम 1 लाख रोजगार लागी हो आपके ने मौको हो, अगर आप आपका विधायक ने जिताता तो कटे ही ना कटे ही मौका में आप की भागीदारी रहती, आपके परिवार ने सबल मिलतो और मौको मिलतो भाई हमारे बच्चे भी रोजगार लगे। ये चीजा आवन वाली है, आवन वालो टाइम आपको है, जगह काम आप देख चुके हो, मैं मंत्री रहते हुए भी देखा, एमएलए रहते हुए भी देखा, फिर भी अगर नहीं करवा सके आप खाली समीकरण ना पड़े या उल्टी सीधी बात कर अगर मैंने जिताओ तो कटे ही ना कटे आपा में समय कमजोरी है, आपा समझा गुन पाया। तो मैं हमारी बात अटे समाप्त करूं और जैन मुकेश जी या विजयपाल के जगह भी कार्यकर्ता है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, साहब का जगह निजी आदमी है, आपने कटे ही डरने की जरूरत नहीं है, 24 घंटा विजयपाल जी आपके हाथ है, मैं हर टाइम आपके हाथ रहे हूं। माने कोई रेखा रोई देवे तो भाई विजयपाल मैं रिजपाल जी हमेशा थांके बीच में रहे हुआ, थांके कड़े ही काम पड़े जरूर याद कर जो। एक साथ ही मैं हमारी बात खत्म करूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तेजपाल जी मिर्जा साहब। अब मैं आवाज देना चाहूंगा पर पूरे के पूरे डेगाना के युवाओं की तरफ से आदरणीय भाई साहब से माफी भी मांगने चाहूंगा कि हमने उन 1200 यूनिट रक्त का मान नहीं रखा, हमने विकास का मान नहीं रखा, हमने आपके फोन का मान नहीं रखा और हम आपसे माफी चाहते हैं। अगले चुनाव में हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। श्री विजयपाल जी मिर्जा साहब, राम राम साहब, अबे मजबूती रखो, अबारू मजबूत रहे हो जन आगे 5 साल मजबूती आवे नहीं। ज्यादा आज लंबी चौड़ी बात को नहीं, देवता नहीं होन दियो भाई, दाब गौ ला 1 महीनो आप जेकर घना ही बोलिया पाचा 5 साल आए जन और बोलना। मैं तो सब जीता भी कार्यकर्ता मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दे बेटे, आप मजबूती हो चुनाव लड़ियो, आपका कोई कमजोर को नहीं है, आप बहुत मजबूती हो लड़िया। पर ठीक है, मैंने तो दुख ही बात को है कि जका कार्यकर्ता है दिन रोवे नहीं बैंक को दुख गणो है चुनाव हार जाओ, अरे तो मजबूती रखो कहो हार जाओ भाई, रोनो ही बात को है, बैठे बैठे ही रोवे अजय सिंह जी आज जन चुनाव भारी हुई, अरे तो मजबूती इधर को चुनाव देना भारी हुई, बैठो बैठे ही रो देना बजे आपांगी कमजोरी बेली आज पच का कमजोरी। तो ये वास्ते आप मजबूत हो कौन नहीं हो पहली दा बताओ मन, मजबूत हो ना जन अब की है, अगर सुनो मार बात चाहे वो हनुमान वो है चाहे वो सीताराम में वो, अगर हड़का बोले और एक हफ्ता में अगर बैंक जवाब पा तो आप नहीं देवाना बैंक घरे चाल जना दा पांगी ये कमजोरी देवो बंदे हो और मारे साथ हो को नहीं हो आप बताओ। अब की बोलने जाने भले आज ही बोले तो एक हफ्ता मायने कोई इलाज नहीं कर दिया ना
तो मारो ही नाम विजयपाल मिर्दा नहीं, क्योंकि तो कमजोर में भी कौन नहीं। मैं सीधो ही बात हो क्योंकि आप लोग बात है साहब ने बोल लीजो गुस्सो आवे देना खरो आवे पर मैं साहब की कौन मानू पद की उगो तो थाने और वो थाने भी कौन दू पर मार हाथ चाल दीजिए कहते पर आर पार की लड़ाई है चुनाव ये कौन जीती थे पांच और भी कौन जीता ना आप हमारी बात सुनो क्योंकि और भी रो वो कार्यकर्ता बैठे जटी रोई मन ध्यान है और रोनो बंद करो चुनाव आप जीता हिम्मत रखनी है पर आप डराए थे एंगी तो उनो आज ही फटी है पुलिस आज ही पुलिस की टुकड़ी भेज दी डेगन बताओ हिम्मत हिम्मत है मैं आज भी कौन नहीं आज ये फटी जना रहे सी बुलार पटका दिए आदर थाना आया है डरपोक है जन बुलाया अपन कौन बुलाया आज तक आपा के थानो है जगह थे लोग मैं बनाओ कि ये ग्रुप मैं 100-200 जीता जुड़ना तो मर्जी जुड़ जी जो मन फोन करके दीजो भाई मैं जुड़नी चाहता था फिर भी मैं एन का जोड़ा जब दिन रात भले कोई कार्यकर्ता के अगर काम पड़ जावे तो एक मैसेज पर मैं अगला कार्यकर्ता एक जगह होना चाहिए आज लोग बोल दे गई मैंने बताओ एनी खुली तो चुनौती है भले एक लाई आज माए लीजियो अजय सिंह जी कहे नहीं अजय सिंह जी कई बात की बेटा ब्याह नहीं हो योड़ो देंगे बेदी जो डीएनए कर दे मैं कार्यकर्ता मिले अपना कार्यकर्ता ही कहो कि नयो ब्याह उजड़े भाई भेजो डीएनए में कट जाना कोई बात लंबी चौड़ी बात कोनी आप मजबूत रहो मने कोई डर कोनी मैं तो 5 साल में घड़ो मन सीखन मिलियो क्यों मैं नहीं हो राजनीति मने तो राजनीति आप लोग ही सीखी तो ये बात दुख आप लोगों को नहीं है मन के भाई चुनाव हार गार आप हरा दियो मजबूत ही रखो थांगवाद मैं मजबूत रहे और थे उधर तैयार रहे चाहे थे कड़े बुला लीजिए फोन नहीं लगे हम ध्यान है किया संपर्क करना हर आदमी ध्यान है भाई संपर्क किया हुआ है ते तो बुला लीजिए थे के उधर थांग बीच में रहे अबे काम तो कहीं कर आम है कोई उन बोली जगह ठोकर को जरूर कर क्योंकि पिताजी जमीन उठियोड़ा है मैं देखियोड़ा हर चीज दादाजी फौज में रहियोड़ा है तो और ही कौन नहीं मैं तो खेती कर भी जानू भैया ही कौन नहीं मैं आते ही कोई काम करियो कौन नहीं तो ये वास्ते मजबूती थे राख जो एंड सब चीज आप भुला दे 5 साल चाहे पिता ही अब आ रहे कह भाई उप मुख्यमंत्री बनी अटा का जगह जीत रजय सिंह जी किया बनन दीजिए बहने और भी मैंने जोत दिखाए आपा अपन काम चला हुआ कमजोर अपन लोग नहीं रहना बोल कहीं जब मार बात सुनो आज तक मैं कोई व्यक्तिगत कोई के खिलाफ बोलियो भाई 5 साल से देखियो आ कमजोरी मारी कौन नहीं थांग लोग की है क्योंकि थाने जवाब पूछने को थाने ताकत कौन नहीं थांग लोग आग लो एक बोले दिन मीन 5 बार पूछो रहे भाई इतनी कहीं औकात है थारी आज मैं ही कोई नौ तू बोलियो भाई 5 साल में जनते हैं उड़लियो किस बात भोरी बात है कहीं बटी आप लोग मन बताओ अब आर भी सुनो कार्यकर्ता इतना कमजोर है मन फोन करके साहब आपने संयमित भाषा में बोलना क्यों भाई माँ के परिवार को नहीं गई हैं इज्जत मोटी है जन माँ की इज्जत को नहीं
कार्यकर्ता कहीं मारे बात सुनो कमजोरी में और ही कहूं कमजोर थे लोगो मैं कौन हूं कमजोर थे तैयार रहो था आगे नहीं लादो मन के दीजो कोई बात आपा ना पांच साल मजबूतियों काटना है कहीं कौन ही हार जीत चलता रहे खेल कूद हुए जन एक एक पे नुहार को हुए एक जीत को हुए तो हार में भी अब सीखन मिली अपन कई चीजा भाई विपक्ष में कह रहे वहां हार में किया रहे वहां वो कोई चक्कर को नहीं भाई चुनाव हार गया चुनाव तो जद हारा जद भीड़ नहीं हुए नहीं जगदीश चुनाव हार जाए जगदीश से एक बुलावा पर हिस्सा नहीं आओ नहीं जगदीश चुनाव हार जाए विजयपाल कई बात है इतना मजबूत क्यों आया हो जन पांच साल तो मजबूत रहो मैं पांच साल धांगे मजबूत रही हो कौन रही हूँ बताओ कोई काम पर तो ही कार्यकर्ता रहो के विजयपाल जी ठंडा गणा अरे पांच साल में देख ली जो थैंक है वो अब डबजिया भैया रीस मिर्दा नाया बचे गुंडी आवे और बा पिताजी भी गुंडी बनावे आप बूझ जो कहीं अगला रोज तो ये बात है आप लोग मजबूत रहो विजयपाल मिर्दा सम्मान्य पिताजी आप कह हो जट आपकी सेवा में रहो और दो ही रहो इनकी दिक्कत को नहीं पर जवाब आपकी कोई एक दिन भी अगर फोरो बोल दे या गलत कमेंट कोई कर दे भी को सात दिन हम अगर जवाब नहीं देवाना तो विजयपाल मिर्दा पाचो डेगा कभी को नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आप इतनी संख्या में डाया बड़े आप चुनाव लड़े हो और जितना भी मारा कार्यकर्ता है एक बात मैं कहूँ जका भी ये रिश्तेदार है जका ले रहा हाथ कोई अगर देखो डुप्लीकेट आदमी कोई हाथ लिया या तो मैं धक्का देर घरों बार कर दूंगा और मैं जानू कौन डुप्लीकेट है कौन सही है बिल्कुल आपकी इनकी पूरी पहचान होगी चुनाव में अगड़ा नोड़क लिया आप कौन हाथ है और कौन कौन नहीं हो कई बात है मैं आसत जानू बिल्कुल डुप्लीकेट कौन नहीं आयो लिख दी और गलती है चुनाव आप हरिया क्योंकि आपा की कमजोरी बैठता जटे आप रोता मजबूती रखो चुनाव भले ही कहो नहीं कोई वोट आ चुनाव लड़ियो पर डेगणा जनता मजबूत है विजयपाल मिर्दा खाते जन कह चुनाव हार जाओ मन बताओ मेहनत आप करनी पड़ी आप करी मेहनत में कहीं कमी है मन बताओ चुनाव आप हड़को लड़ियो चुनाव में आप खर्चो कौन करियो जका ब्याह में अगला गीत गाना चाहिए अगला गा लिया बस और भी कहेंगी अब रोना ये बात कोई पर आरोप प्रत्यारोप को नहीं अपन ध्यान है कौन डुप्लीकेट और कौन सही है तो ये बात है आप लोग तो मजबूती होगा अब आर भी कार्यकर्ता कह रहे कि पांच साल था का कह निकली जना ही कहो पांच साल में है जब डीएनए टेस्ट में काट दिया भेज दे आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत राम राम अब मैं गुरुदेव पधारे हमारे बीच में गुरुदेव से निवेदन करूंगा शुरू बोलो सतगुरु दयाल की श्री सुखराम दास जी महाराज की आप लोग सब देव तुल्य जनता यहाँ पधारी विजयपाल जी मिर्दा और रिछपाल जी सिंह मिर्दा का मान रखा और 80,000 डेगणा की जनता ने मान रखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद लोग बाग आएंगे बहुत सारी बातें कहेंगे लेकिन आपको तो एक ही बात है अभी विजयपाल जी ने कहा ना कि संयम और दृढ़ता दोनों आपको रखनी पड़ेगी और दूसरी बात इन्होंने कहा भाई लोग बाग आए मैं ही गया मैंने काम करवा लिया और वो पीछे हट गए कम से कम 100 आदमी
हर गांव में ऐसे मिलेंगे, काम करा लिया और वोट नहीं दिया, इस बात का दुख होता है। और विजयपाल जी तो ऐसा, इनको क्या दुख पड़ेगी भाई, एक ही बेटा है रिछपाल जी के, कहीं से ही काम करके, ये आपके लिए काम करता है। आज इनके राम राजी है भाई, कोई चीज की कमी नहीं है। आज रिछपाल सिंह जी मिर्जा इतनी गायों की सेवा करते हैं, उन्हीं का यह परिणाम है कि आज ये अपने पास जीता बैठे, ये पुण्य का प्रताप है और इन्होंने जिंदगी पर पुण्य ही किया है। आज एक ही MLA बता दो, उनके पास 200 गए हैं, मेरे को बताओ आप खड़े होके कि उसके पास तो 200 गए हैं, कोई 200 गए होगी किसी पार्टी का हो, वो सेवा करता है क्या? आज अशोक गहलोत जी ने 9 महीने का अनुदान दिया था अपने को, उस बात को याद रखो। मैं किसी पार्टी की कार्ड नहीं करता हूं, लेकिन जो अपना होता है वो अपना ही होएगा और ता जिंदगी अपना ही रखेगा। इतनी बात कह के मैं विरुद्ध हूं। अब मैं निवेदन करूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच रिछपाल सिंह जी मिर्जा साहब जी। देखो आजू ना आदमी नारो नहीं लगाना और सभ्यता को काम को नहीं हरियोड़ा आदमी कोई नारो मत लगाओ, आज तो सिर्फ और सिर्फ मारी बात सुनो और बस भी मन मंत्र गंजो घर जा रहा। राम राम छा रामा शर्मा अगला नहीं करूं मुझे एक में थोड़ी भेजा। देखो पहली जयकारो लगावा वीर तेजा जी महाराज की, जगदम्बे मात की, अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज की, बाबू जी महाराज की, और किसी रहेगा राम सा पीर की वकील, और किसे लिया भाई, 33 करोड़ देवी देवताओं की। आज ये मंच मत है हमारे आदरणीय पूनिया साहब, संत भगवान दास जी जगह बार मारो सुनियो गड्ढे गणा मान जा रिया जो आया है आशीर्वाद दे उन्हें, और ये मंच मत है हमारे प्रधान प्रतिनिधि उपस्थित बिराजोड़ा सभी हमारा ये देश का किसान भैया जगह थे अंदाता गई जो देश का, और नौजवान भैया पत्रकार बंधु, चुनाव हार जीत कोई बड़ी बात होनी है, चुनाव दो पहली मैं भी हारियो, 10 साल के बाद में थे पांचों जीता ही हो विजयपाल ने, 10 साल को बीच में अंतराल रियो बन रही हो और बिग बाद में पांच चुनाव जीते हो थे वो भी जीते हो 21,000-22,000 वोटों सम्मानजनक जीत करेगी। अब की बार जब चुनाव हो हमारे मन में आई ही कि वो दूसरी बार जीत जावे तो डेगणा की जनता के वास्ते वो सक्षम प्रतिनिधि उजी है, और एक ही मने मारी ने आवश्यकता कौन पड़े बच्चे, क्योंकि मैं बीमार हो और आवश्यकता इन दो दूर सौ चुनाव जीत जा तो कौन पड़ती वास्तव में कौन पड़ती, वो आपका भगामा तो उजिया। तो अब हमारे विजयपाल देखी बात की कार्यकर्ता रोवे कहन रोवे कहीं करे मारी बात सुनो भाई, 5 साल का राज में या 25 साल होगा 20 साल मारा 5 साल ही का 25 साल में ही कोई मारो कार्यकर्ता दुखी हुई हो कहीं कदी कदी हुई हो, चाहे मैं कह नहीं करो राज नू करो बिना राज करो कह नहीं माता फोड़ी करो मां गाड़ी चलाता थांगी गाड़ी चलाता। अबे जगह लोग पावर में आया है बे लोग आ समझे कि डेगणा की जनता ने घोड़ी बना दिया, अब घोड़ी बनना है तो थांगे हाथ है और बन घोड़ी बनाना है वो थांगे हाथ है मारे हाथ।
મારો કહેવાનો કોઈ મતલબ એવો છે કે એક એક કાર્યકર્તાને જો અમાર મુકેશ દાંડી ઉભો હોય મુકેશજી એને થાય જાણો ફૂલો તો સરપંચ છે ઠીક કે રાત કા 2 બજે ઘરે ગયા હે અજય સિંહજી કો બેટો ખુદ દારૂ પીવડો ઓર ચાર લોડના સાથે લેર ગયો અર બે ઈ કે ઘર કે માથે હમલો કર્યો હે जर देखो जाटा की लुगाया मर्दान की दिखे डंडा ले निकली बेंगे गांड मा तो दो डंडा लगाए तो बात दिखे मुकेश के परिवार की लुगाया ठोकियो भी ने अरबटू भागिया एडी हरकत हरे कार्यकर्ता के साथ करने की एक कोशिश करेला 5 साल वो टाइम लंबो हुए भैया थोड़ो को नहीं हुए 5 दिन हुए 5 महीना हुए 5 महीना का पा और उखाड़ लिया पर जगह कई लोग मां के साथ है दिलू जुड़ियोड़ा हाँ और मनु जुड़ियोड़ा हाँ पर लोगों ने ये पूरा परेशान करने की कोशिश करी पर मैं थाने एक ही विश्वास दे रहा हूं कि अगर थे मजबूत रहे और मर्दान की राह को तो रिजपाल मिलता और विजयपाल मिलता था वहां मरण क्या कहीं कर ले भाई थामको आगे मंत्री दिया एमएलए दिया अभी मोटा मंत्री तो बढ़ना को नहीं और मारा एशिया को भी मैं यहाँ क्या बुके बाद दा पड़ क्यों वहाँ का देखा आका नहीं तो आका का भाव कम होगा बन जाए वाला मंत्री बनने बनने कौन कह रहा है भाई कौन बने पर थे मर्दान की रा को मैं देखो इंजुरा का पैरोकार नहीं हाँ मैं मर्दान का पैरोकार हूँ थे एक फोन कर दीजिए कि प्रशासन गलत काम कर रही है चाहे थानों घेरे ने हुए तो रिजपाल मिर्दा हगड़ों आगे चाल चाहे तहसील ने घेर नहीं हुए तो रिजपाल मिर्दा आगे चाल प्रशासन कदे गलत काम नहीं करिया करे प्रशासन ने मजबूर करिया करे मन बार कई कार्यकर्ता फोन आया मदन जी को फोन आयो क्यों साहब पुलिस कड़ी बुलाई है मैं क्यों पुलिस मारा कार्यकर्ता ने मारा ऑफिस में जाऊ रोके कहीं क्यों को नहीं रोके मैं क्यों सर मारे पुलिस को कहीं लेने देना पुलिस अपनी भाई है कहीं करे पुलिस अपनो अगर मारा कार्यकर्ता ने मारे कार्यालय में तो जाऊ रोके तो मैं एंड बैठो इंजाम करू बताऊ मैं क्यों कोई नहीं कौन रो बात मैं थानू वही निवेदन करनी चाहू कि 3 दिसंबर का रिजल्ट आयो और एक बाजार में सदर सभा करी भी कमाई ने एक तो द्वार का प्रसाद हेडा ने की हुई का हेड और लाना हंगड़ी हाथ काट दिया अरे व्यापारी आदमी थे कहीं धमकी देवो यार धमकी देवो जर मैं 10 साल दिया नहीं धाम मुंडा के थे मंत्री दिया थे एमएलए दिया मैं की को नहीं आ बस मैं नहीं मारता मां जो दू की मिट जा तो तू जाओगे रगड़ो ही कौन रहे तो अगड़ो पहली हम लोग मांग मत करता पर करण वालों की नहीं है बिगाड़न वालों सिर्फ और सिर्फ ऊपर वालों है पहुंचाए जिस दिन आप बोली बंधु जी पहुंचाए जिते आप तुती भाज पी रहे हिमाचल थाने नर्वस होने की आवश्यकता को नहीं अभी एक बात मैं थाने पूछ रहा हूं कि 3 दिसंबर का है जगह सभा करीब ही मैं भाषण दियो एक मिनट ठहर जाओ मैं जनता ने पूछू मारी जनता मारे भगवान को रूप है भी मैं कि गलत बातों को उपयोग करियो तो मां को जवाब दऊं कि नहीं दऊं देखो जवाब मांगो अब देख लो पुनिया साहब लोग के जवाब दो तो सर्वप्रथम अजय सिंह की और मैं रिजपाल जी के पहले जिकारो लगा तो अब जिकारो कौन लगा मारे दाने घंटा नहीं लगा मारे जिकारे रह कर हूँ कहीं फर्क पड़े यार मारी जनता मारे जिकारो लगा हुए दूजा मैं सर्वप्रथम शुरुआत करी हो और कियो के विजयपाल की लुगाई ने पत्तो है कि वो ड्राइवर कट है इको मतलब टाइम जो के लुगाई के विजयपाल की लुगाई के भी ड्राइवर संबंधा वो आरोप लगे समो पे ने जरा मैं दूजा मैं एक मत है अपंगटा स्कूल है किसी मनसीराम वीर तेजा स्कूल के मायने मैं सभा करी जर मैं आरोप लगे हो मैं कि अजमेर में जो कोई एक छोरो बैठो है वो थारा बाप की औलाद है डीएनए टेस्ट करा ले आ मैं मान के
चौथा बार वो आरोप लगायो कि वो थारा पोता को टेस्ट करा ले मिर्दा ने मैं चैलेंज करूं डीएनए टेस्ट करा ले मतलब पोतो थारो है को नहीं है ठीक है। अबे मैं भी नो जवाब दूं के मेडिकल कराने के वास्ते कोर्ट की परमिशन लेनी पड़े चिंडल पार्क के मायने मेडिकल सोसाइटी भी को अपन पहली ई कोर्ट को परमिशन ले और फिर अपन मेडिकल बोर्ड बैठा है और हमारा पोता को डीएनए टेस्ट करावा भी अजमेर वाला करावा अगर थारो गलत निकले तू फांसी खा ली चिल्ड्रन पार्क में नहीं मैं खा लिया बेगाना ही जनता का हमें फांसी खानी अपन को तो कर्म स्थली आई है थारी आई है मारी आई है थारा बाप की आई। अब मैं दूजा मैं सब बड़ो खुलासो करूं देखो दुनिया का बोर्डरी का कांगड़ा खुल गया क्या थारा बाजी सरग में बैठा नरग में बहुत बान बैठा है तो कारनामा करिया हुआ है तो सरग में जावे नहीं तो नरग में उल्ला तू मोबाइल में बात कर ले और आप पूछ ले थारा बाप ने क्या जकी बात तू रिछपाल मिर्दा वास्ते की पहले थारा घर में जहां कर दे राजनीतिक फायदा को वास्ते थारी बहन बेटी ने कितनी जगह बेची मार्गन फुकता सबूत है मैं चूतियों को नहीं है इनकी बात मन चुका हूं। जालूपुरा में क्वार्टर जयपुर में और नागौर सर्किट हाउस के मायने मारे ही बात को जवाब दे दीजिए मैं नाम बताऊं पछे आज नाम को खुला तो बन गया अगर झूठी साबित हुई है तो इस बात में तो राजनीति नहीं दुनिया में संन्यास ले ले मैं खुद गवाह हूं गवाह देखियो डी हमारी बात के राजनीतिक फायदा वास्ते वो घर कितो नीचे गिर सके नहीं तो रिजपाल मिर्दा को नाथूराम मिर्दा को परिवार को बता दे मैं तो आज तक मारी डेगाना की बहन बेटी की लाज के वास्ते मारी जी जान लग गई वही मारा इलाका की बहन बेटी कटे घीपरी तो रिजपाल मिर्दा 24 घंटा मायने बिग वास्ते लेने की हिम्मत राख तो अबे भाई ए मोटी मोटी बातें करे और डरावे लोगों ने मुकेश की एक जांच बिटाई है भी जांच में काई कर दे हो भाई थे क्या वो आचार संहिता की झज्जियां उड़ाई रिपिया बांटिया दारू बांटिया रिपिया तो थे ही बांटिया देर जीत गया बिना रिपिया थे थोड़ी जीत गया रिपिया बांटिया है चुनाव में पर डेगो डेगाना की जनता ने एक ही बात मैं निवेदन करूं इतनी हिम्मत हमें बुनी के अपना कार्यकर्ता छेड़ सके और जगह एक डावो आंड रे एक जीवनो आंड भड़ियोड़ा है ये दोनों आंड और लटकाया फिरे नहीं अन्न मारो कहो है कि थे कहे अगर रिजपाल मिर्दा गलत भाषण देवे तो डेगना बाहर को निकले और रिजपाल मिर्दा दे रही हो भाषण अर्था की माँ का छुंगिया होता था जो आज तक रिजपाल मिर्दा तो रिजपाल मिर्दा नहीं यार कहते नहीं हो भाई डराओ रिजपाल मिर्दा का कोई धंधो हो या ना 1990 के बाद के मायने जनता मारा हाथ बांध दिया ने रिजपाल मिर्दा को ठोक तो जय जी कौन लगा तो गांड में बोल भाई डराओ मन्ने एक बात था ना और कहूं कि थामे कटे लड़न की जरूरत कौन पड़े ली अब की मैं मत ही निवेड़ा क्योंकि 3-4 साल मैं तो नहीं तो मरू कैंसर यूरो पड़ा की मारने पे भी आने 15-20 एक ने ले बैठ वो जेल में छो मरतो मरनो है मारे तो यार नहीं तो 2-3 साल में मरू मैं नहीं नहीं मारा हम कोई पर इंजरा मंडरू मैं कहीं क्यों ना लाए ए भोसड़ी का आंड थोड़ा दिन होश दिया है गोलियां ऊंची छड़ी नहीं खाली चामड़ी लटकी नीचे मारना फिर ने ललका रे मां से छोटा था ने सामान का ये रे देखा अबे कोई कहते हैं उल्टा हिंदा मत बोलो मैं जनता की परमिशन ले बोलियो भाई जनता आज कह देती कि मत बोलो कि रिजपाल मिर्दा ये वर्ड गार्ड दे तो रिजपाल मिर्दा
अरे यार मारी देखो परिवार की बेइज्जती करे देखो जकांगी खुद को पत्तो बनी अरे मारे परिवार में तो इतना मोटा मोटा आरोप लगाया मारो फोटो दूजा को अरे भोसड़ी का है को करे मारो शर्म आनी चाहिए धन है अरे मैं पर्दा खोल दिया नहीं मैं आदमी हाल एक तो सड़क में दियो पर और एक जीव तो है मैं खोलू लाभ की बात है जवाब दे जन खोल देव जवाब खांगी माँ का थूंगी उड़ाओ जन भैया घबराने की जरूरत नहीं है चुनाव तो मैं आ जा बर्बाद हुआ तो मैं भैया तो पूनिया साहब जैन का भला आदमी मारी आर्थिक रूप मदद करा दी जर मार मार की कम बोझ पड़ियो नहीं बात आ रही है बाबा हरजी बाबा देखो चुनाव हारणु मारी जनता में दोष हुगो आज मारा 81,000 कार्यकर्ता दुखी है जका मायने डुप्लीकेट जका हानी एक मिनट जका डुप्लीकेट की बात करे मैं थाने को थाने की गण की आवश्यकता बोल पड़े 12 महीना मायने बार डुप्लीकेट का घर नहीं उड़ जाए तो भगवान को उनकी बात मांगा घर उड़ जाए छेड़ा थूके दे इनका उचित है अगर एक सच्चा आदमी के साथ धोखो करियो क्यों मैं आज तक कोई के हाथ धोखो कर करियो मैं हमारी ईमानदारी हो रही हो और कोई के हाथ धोखो कर करियो नहीं हुई हो काम तो मैं कह दी हो महावीर सिंह जी को नहीं हुआ वो काम बाकी धोखो कर करियो कदई कोई का 2 रुपया लगाना हजारों घर मायन मैं गियो हजारा की बहन बेटिया मारे फावा दो देवे मैंने बाप के बराबर मान्यो जका मारी इज्जत की तुलना करी देखो थे यार शर्म आनी चाहिए यार डुप्लीकेट ही रोहेला मारो कहीं नहीं बिगड़ा है बोबड़ा हरू उगा है मारी जीत की रूकाली राग ले मारो मुंडा मार थूक दीजो थे मारो मुंडा मार आज मैं पूछो एसडीएम में क्या किसने बुलाया ये फोर्स श्याम तो मारे घरे बैठो मेरे फोर्स बुला के डराता है ऋतपाल मिर्जा को बुला ले और जीती फोर्स है राजस्थान से मेरी जनता आएगी वहां नहीं रुकेगी तो थे तो एम की कोई ज्यादा बात हुई तो मैं फोन कर दीजिए रोज रोज तो देखो महीने का खा ही ना हो पर काम पड़े लो जगदीन ऋतपाल मिर्जा था बीच में त्याग ला दी इन फोन बुलो ना क्योंकि कि आज जिंदगी जीनी है और मारा कागज बांचोड़ा आएगी मारा मैं आऊं था के बीच में चाहे पुलिस हुआ चाहे अदालत हुआ चाहे या कोर्ट हुआ अदालत को तो आप मान सम्मान करा अदालत की तो आप सिरोधार्य है पर पुलिस और प्रशासन अगर कोई गलत काम करी तो मान पहले समझावा नहीं मानी तो आप अपनी ताकत दिखावा जनता बैली हुई दे रही तो मारी मन बदे नहीं जर मैं आबाद है आज इतने थोड़ा घना आता नहीं तो मैं बदे घना को नहीं आता और मैं एक बात और कहूँ थाने ईमानदारी होते बेड़ा उड़ के दीजियो कि इस बार मिलता आप थारी सेवा की जरूरत को नहीं मादत छोड़ कमेंट में मुंह तू बैठे घना पग रखे अब हर 15 तारीख का आप सम्मान नहीं ये करा हर 15 तारीख का ही आप करा अपन कोई आनंद सिंह जी प्रशासन नहीं कोई और नहीं अब महीना होने दो 3 महीना करा मीटिंग नहीं 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 तो कौन नहीं मैं अपा मैदान सा 3 महीना मीटिंग करा पाची 3 महीना की तारीख फिक्स भाई रहा और थांगे धर्म में अब टेस्ट भी करा रहे हो 5,000 जयपुर में मारा सब टेस्ट बढ़िया आया कोई टेस्ट मारो वर्जन बन रही हो इमारत है आज थे जयो जगह शांति जानो अपन चलार कोई ने नहीं छेड़नो चलार तो कोई ने नहीं छेड़नो जन छेड़े जन माते पड़ी नहीं पस देगा अपन अपने रस्ते आनो रस्ते जानो हाँ क्यों आगे बार मत छिटियोड़ो है
मत छोड़ो है बटे मैंने पुलिस का एक आला अधिकारी कियो के जिका भाषण दिया नहीं भाई भाषण में पहली तो भड़ास निकाली और भड़ास निकालने पर संघ परिवार के प्रति एक गलत बात थी पर मारा भी आदमी हाँ देखा मन कियो इवान का मैं कोई हल्की बात की हूँ तो भाई बिग बात मैं जिम्मेवार नहीं हूँ मैं खुद ही जिम्मेवार है मैं हल्की बात जितनी की हूँ पंग बात तो मैं खुद जिम्मेवार है क्योंकि मैं यानी खुद हल्की बात करी ऐ करनी हरू कर दिया भा किशन सिंह सरपंच बैठा था बीच में खैरवा को एक सड़क बटा कटान का मार्ग के माज में तो मैं खोड़िया टट्टू फोन करियो का हलक बना हुआ जो भी रुकई मैं किशन सिंह ही तो चौथू आदमी कौन नहीं हो बाजी हरू कर जाना है कर दे पर ऐ कहीं है क्या लोग माते प्रेशर बढ़ाने की राजनीति करी क्योंकि मांगवा दे कहीं जोर चल मैं तो खुलो चले दे कि भाई अगर कोई धपियोड़ो है तो मारा हम ही आई गयो जिंदगी हूँ मैं तो खुद धपियोड़ो हूँ यार पर मैं जनता ने आश्वासन दे विश्वास दे रहा हूँ कि रिजपाल मिर्दा को जो प्रण करियोड़ो है कि मैं सांस अंतिम सांस तक डेगणा की छत्तीस कौम की जनता की सेवा करूँ मैं मारो वचन पात्र खोल लूँ और डेगणा की जनता कह दे मन को नहीं तो देगा नहीं लगा तो चालो खापा करा सेवा हर तीन महीना वो एक मीटिंग रहा था भी मीटिंग के मायने था का दुख सुख पूछा और सुख दुख पूछ करा भाई यूं है थाने होना कौन छोड़ा यूं है कथे जका जो सर उत्साह 81,000 वोट कम बनी हुए अब आरजी तो होती है ये है पर आप सिर्फ और सिर्फ 3700 की वोटा की कमी दी 3700 गिरी हुई 3800 गिरी हुई कहीं सिंह कहूँ भाई कोई चिंता नहीं मर्द हिम्मत बोल रहा हिम्मत तू रहना है तीर हुआ बनी अगला लोग थांगे साथ है मस्जिद जैन का लोग बैठा जगह खूब मेहनत करी मैं हमारी जनता को खूब खूब आभार प्रदर्शित करूं और इमाज से हमारी जनता धन्यवाद देऊं कि भाई मारे आर्थिक रूप में जगह लोग मदद करी वांगो मैं आभारी हूं खैर चुनाव तो आता रही जाता रही आने 6 महीना मुठा पड़ जाएगी रिजपाल मिर्दा कहीं कर सके 6 महीना जगह आगे आवे नहीं मामे यहाँ मुठा पड़ जी आना बस उद्या था ना बात तो वो अब देख आगे कहीं समय कहीं आवे बोलो भारत माता की वीर तेजा जी महाराज की अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज की देखना 36 कौम का लोग की राम राम साहब।